जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए सीधे काम की बात पे आते हैं। तो मैं कुछ दिनों पहले एक शॉप पर गया, कुछ सामान लिया और मुझे टैक्स इनवॉइस मिला कुछ ऐसा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शायद मेरे टैक्स इनवॉइस का ग्रोस अमाउंट थोड़ा ज्यादा बन रहा था, तो शॉप के ओनर ने अकाउंटेंट से एक एक्स्ट्रा कॉपी मांगी कस्टमर सिग्नेचर के अपने पास प्रमाण के रूप में रखने के लिए कि कस्टमर के सामने जो इनवॉइस बनाया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। और एक्स्ट्रा कॉपी साइन के लिए मेरे पास कुछ ऐसी आई जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने ऊपर देखा और मैं समझ गया कि टाइटल मैनुअल डाला हुआ है। मुझे पता था ये एक्स्ट्रा कॉपी फाइल में ऐसे ही रखी रहेगी, इसका कोई यूज नहीं होने वाला है आगे। फिर भी क्योंकि टैक्स इनवॉइस पर ऐसे मैनुअली डालना ये तरीका ठीक नहीं है, तो मैंने उसे बाद में पर्सनली बताया था कि ध्यान से देखिएगा अगर आप भी टैली यूजर हैं। मैनुअली अगर आप टैक्स इनवॉइस की एक्स्ट्रा कॉपी निकाल रहे हो और आप टाइटल में डालेंगे एक्स्ट्रा कॉपी, तो ये गलत है। देखिए, पहली बात तो आपका जो टाइटल है वो टैक्स इनवॉइस ही आएगा। आपको एक्स्ट्रा कॉपी, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट जो भी चाहिए वो आपका सब टाइटल होता है, टाइटल आपका टैक्स इनवॉइस ही रहेगा। और अगर आप मैनुअल सब टाइटल डालेंगे तो इसकी दूसरी कमी ये भी है, अगर आप मैनुअल सबटाइटल को हटाना भूल जाते हैं तो जब आप नेक्स्ट प्रिंट ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का देंगे तो ये मैनुअल सबटाइटल डिफॉल्ट होकर उस पर भी प्रिंट होकर आ जाएगा। और अगर आपने टैक्स इनवॉइस में ऊपर सबटाइटल पर ध्यान नहीं दिया तो वो गलत इनवॉइस कस्टमर के पास चला जाएगा। ओके, तो इसका सही तरीका है कि आपको F7 प्रेस नहीं करना है, आपको F5 प्रेस करना है। यहां सबटाइटल सेट है, आपको बस चूज करना है। और ये सबटाइटल चूज करके जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये डिफॉल्ट पे सेट भी नहीं होगा। मतलब अगर आप एक प्रिंट निकालते हैं एक्स्ट्रा कॉपी का कस्टमर सिग्नेचर की अपने पास रखने के लिए, या डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर को देने के लिए, या ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर, तो जो सबटाइटल आपने चूज किया हुआ है उसकी एक या दो कॉपी जितनी भी आपने निकाली है उसके बाद जब आप नेक्स्ट प्रिंट देंगे तो वही ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का प्रिंट आएगा। तो ऐसे सामने वाली पार्टी को एक जेन्युइन इनवॉइस रिसीव होगा और उसकी नजर में आपकी छवि एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो देखने से पहले भी आपको पता था कि इनवॉइस में ऐसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।